हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गरिमाज रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मेवाड़ी सेव की सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और मेवाड़ की प्रसिद्ध सब्जी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मेवाड़ की प्रसिद्ध सेव की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज ले लिया है, दो टमाटर ले लिए, इन सबको मोटा मोटा काट लिया है, और चार हरी मिर्च ले लिए। इन सबका हमें पेस्ट बनाना है। और अब मैंने एक कढ़ाई में 2.5 चम्मच ऑयल ले लिया है। इस ऑयल को हमें बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर हींग डाल दूंगी इसमें मैं। और इन सबको हमें अच्छे से चटकने देना है तेल में। और उसके चटकने के बाद हम इसमें वही पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था, प्याज टमाटर और हरी मिर्च का। तो ये देखिए, जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें वो पेस्ट डाल देती हूँ। तो ये पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ इसे। मैंने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। तकरीबन हमें इसे 5 से 7 मिनट भूनना है। और प्याज टमाटर जल्दी गल जाए उसके लिए मैं इसमें सबसे पहले नमक डाल देती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिलाना है इसे ताकि हमारे प्याज टमाटर जल्दी गल जाए। और ये देखिए, हमारे प्याज टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और अब हमें इसे भी साथ में अच्छे से भूनना है प्याज टमाटर के साथ। तो तकरीबन 5-7 मिनट हम सभी मसालों को भूनेंगे। इसका पानी सूख जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और उसे भी हमें भूनना है। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो तेल में अच्छे से ये सारी चीज़ें भुन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है और बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमने ऑयल कम ही डाला था। इस स्टेज पर मैं इसमें पानी कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 200 मिलीलीटर तक पानी डाल रही हूँ और पानी हमें इससे ज़्यादा ही डालना है क्योंकि सेव जब हम इसमें डालेंगे तो वो पानी को सोख लेगी, इसलिए पानी ज़्यादा ही डालें तो मेरा पानी में उबाल आ जाए। उसके लिए मैं इसे अच्छे से ढक कर पकाऊंगी। तो 5 मिनट में इसे ढक दूंगी ताकि इसमें अच्छा उबाल आ जाए और उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया है और अब ये अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें सेव डालेंगे। मैंने इसमें गर्म पानी डाला था तो बहुत जल्दी इसमें उबाल आ गया है। अगर आप चाहें तो गर्म पानी डाल सकते हैं या फिर इसमें ठंडा पानी डालें तो आप इसमें उबाल आने का वेट करें। तो ये देखिए, आप धीरे धीरे बबल्स दिख रहे हैं आसपास से और उबाल आने लगा है। तो 5 मिनट भी हो चुके हैं, मैं इसका ढक्कन हटा देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा उबाल आया है हमारी सब्जी में। ये देखिए दोस्तों, उबाल आ चुका है और सब्जी भी काफ़ी गाढ़ी लग रही है। पानी मैंने अच्छा खासा किया है इसमें उसके बावजूद भी। तो अब मैं इसमें सेव डाल देती हूँ। तो मैंने मोटी लहसुन की सेव ली है, आप लौंग की सेव भी ले सकते हैं या जो आपकी इच्छा है वो सेव ले। अगर मोटी सेव ले रहे हैं तो और पानी ज़्यादा डालें और पतली सेव है तो पानी कम भी डालेंगे तो चलेगा। और अब इस स्टेज पे हमें थोड़ी सी देरी से पकाना है और मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है इसमें। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, एक उबाल आ जाए और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। फिर धीरे धीरे ये सब्जी खुद ही गाढ़ी हो जाएगी और जो सेव है वो पानी को सोख लेंगे। तो मैं 2 मिनट ढककर इसे पका लेती हूँ क्योंकि ये मोटी सेव है, बारीक सेव हो तो ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर रेडी है, बिल्कुल थिक हो चुकी है ये, जबकि मैंने सिर्फ 2 मिनट पकाया है। और ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगी। तो अब हम इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये सब्जी बनी और कितनी फटाफट से बन गई है। आप देखिए, सिर्फ 5 मिनट में ये सब्जी बन के रेडी हो जाती है। जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बैचलर वगैरह के लिए बहुत अच्छी सब्जी है जो अकेले रहते हैं और जिन्हें कोई सब्जी बनाने का आइडिया नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अगर ये सेव की सब्जी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।